नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं भूल कर भी ना करें ये चार काम। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे चार कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि महिलाओं को करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। कौन से हैं वो चार काम, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू महिलाओं के बीच करवा चौथ का विशेष महत्व होता है, और इस दिन महिलाएं दिन भर निर्लज्जा व्रत करके पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। दोस्तों, विवाहित सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं दिन भर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। रात को चंद्रमा का अर्ध देखने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत पूरा करती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत को करने से चौथ माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा जाता है, और इस दिन महिलाएं व्रत के दौरान कथा सुनती हैं। दोस्तों, इस व्रत में सासू माँ व घर के किसी बुजुर्ग को भेंट स्वरूप कपड़े और मिठाई दी जाती है, इसके बदले वह आपको आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि ये व्रत पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर आता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, करवा चौथ का व्रत करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब आपको उन्हीं चार कामों के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। नंबर एक, सिलाई कढ़ाई का काम। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन महिलाओं को नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि सुई धागे का काम इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर दो, सफेद वस्तुओं का दान। जी हाँ, यह भी कहा जाता है कि करवा चौथ का दिन एक सुहागिन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और खास होता है, इसलिए इस दिन आपको किसी सफेद रंग की वस्तुओं को दान नहीं करना चाहिए। यानी इस दिन आप सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई का दान ना करें। नंबर तीन, काले रंग के कपड़े। जी हाँ, करवा चौथ सुहागिनों का विशेष त्योहार होता है, और इस दिन महिलाएं अच्छे से सजती संवरती हैं, क्योंकि यह दिन बेहद ही शुभ होता है। इसलिए करवा चौथ के दिन काले या भूरे रंग के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। नंबर चार, किसी को अपशब्द ना कहें। जी हाँ, वैसे किसी भी व्रत में आपको अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और करवा चौथ वाले दिन भी किसी को अपशब्द ना कहें। कोशिश करें कि इस दिन खुद पर संयम रखें और किसी से भी झगड़ा ना करें। कहा जाता है कि साफ और शुद्ध मन से व्रत करने पर आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, यही वो चार काम हैं जो कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना उनको पछताना पड़ सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।